नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मयंक ठक्कर। आज मुझे कॉल आया था और 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी मुझे कॉल आया था कि सर ये लोन वालों की वजह से मेरा जॉब चला गया। लेकिन मैं कंपनियों के मालिक से कहना चाहूँगा, बहुत रिस्पेक्ट से कहना चाहूँगा आप लोग से कि अगर आपके आदमी ने लोन लिया है तो उसमें आपको उसको निकालने की क्या आवश्यकता है, या उसको चिट में लिखित में दे दो कि भाई तूने लोन लिया है तो तू मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारी कंपनी में उन्होंने फ्रॉड किया है क्या? तुम्हारी कंपनी में बराबर काम नहीं करते ये, या तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करते और तुमको कॉल आया तो तुमने उसको निकाल दिया? तुम एक बात बताओ मुझे, अगर तुम किसी के पेट पे लात मारोगे तो मैं तुमको लात मारूंगा, बिल्कुल। चाहे तुम कितनी भी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी क्यों ना हो, तुम्हारा टर्नओवर करोड़ों करोड़ों में क्यों ना हो, तुम उनको निकाल देते हो, जॉब से निकाल देते हो। क्यों? आपकी कंपनी तो लोन देने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई बंदा लोन लेता है तो अपने घर खर्च के लिए लेता हो, कोई इमरजेंसी बेस पे लेता है, तुम लोग देते नहीं हो। और ये लोग अगर लेते, अगर कहीं से दे नहीं पाए तो तुम लोग उसको काम से निकाल देते हो कि तुमको तुम्हारे कंपनी में कॉल किया किसी एजेंट ने, 2 कोड़ी के एजेंट ने कॉल किया। जो एजेंट तुमको कॉल किया तो तुमने उसको पूछा कि भाई तूने उसको लोन दिया था तो मेरी साइन तूने ली थी, तूने कहीं मुझसे साइन करवाई थी? वो आपको बोलता है कि आपको भी गारंटी में रखा है, आपको भी नोटिस जाएगा, तब उसको डर के मारे निकाल देते हो। तुम लोग करोड़ों कंपनी करोड़ों पति की टर्नओवर की कंपनी के मालिक हो तुम लोग, तुम्हारा टर्नओवर हाई फाई रहता है, तुमको इतनी अक्ल नहीं है? तुमको इतनी अक्ल होनी चाहिए। कुछ भी बंदे को निकाल देते हैं काम से। और रही बात रिश्तेदारों की कि तेरे नाम से मुझे कॉल आया है तो तेरे नाम से मुझे नोटिस भेजेंगे, तुम यार कमाल के लोग यार, अनक्वालिफाइड पर्सन की तरह बात करते हो। तुमने कहीं साइन किया था? कहीं तुमने लिखा पढ़ी की थी कि ये बंदा फलाना ढिकना लोन ले रहा है तो ये नहीं देगा तो मैं दूंगा? तुमने कहीं साइन की थी तो क्यों डरते हो? और रही रिश्तेदारों की बात, रिश्तेदार की वजह से सारा प्रॉब्लम हो जाता है भाई। रिश्तेदार रिश्तेदार सर, रिश्तेदार को कॉल जाएगा, अरे जाने दो। ये रिश्तेदार ने आपकी मदद की क्या? COVID-19 सिचुएशन में आपकी हेल्प की नहीं की? COVID-19 के समय में आप प्रॉब्लम में थे, आपकी हेल्प की? चलो मानता हूँ, मैं हेल्प की भी रहेगी तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही बंदे पे उंगली उठाए। आप ये वीडियो शेयर करना आप लोग, हाँ। और जय जनशक्ति को भी मैं कहता हूँ, चैनल को कहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप लोग भी शेयर करो, लोगों को बोलो शेयर करें ये वीडियो। ये सारे फर्जी कंपनी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई कहीं बैठक नहीं है, ये हवे में काम करते हैं, चाइनीज फंड उनको आता है, यहाँ पे घुमाते हैं और लोगों को हरेसमेंट करते हैं। बहुत लोग पैसा देने के बाद भी उनको हरेसमेंट किया जाता है, उनको हरेसमेंट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और आप लोग अपने ही बंदे को परेशान करते हो कि तूने लोन लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है, क्या है ये? उसको सुनाओ मत, आपका घर का आदमी है, उसको आप लोग सपोर्ट करो। मैं भी काम करता हूँ, सवेर से लेकर शाम तक काम करता हूँ, 10 लोग मुझसे मिलते हैं, मैं 10 लोगों से मिलने जाता हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपके मयंक जी ने लोन लिया है, आपको गारंटर बनाया है, तो अगर वो मुझे बोलता है तो बेवकूफ़ आदमी है वो। तुमको गारंटी तो लिए नहीं इसकी, कल तुमको और 50 लोग फ़ोन करेंगे कि भाई आपके बंदे ने लोन लिया है, आपको नोटिस जाएगा, आपका नंबर हटवा दीजिए। नंबर हटवा दीजिए मतलब तुमने नंबर दिया था क्या उनको? नहीं दिया ना। और मैं कंपनी को भी चेतावनी दे रहा हूँ, मैं चेतावनी ही समझो, रिक्वेस्ट, अगर तुमको कोई जेन्यून रीज़न है तो तुम निकालो उसको। रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जांच पड़ताल करो,
उसके बाद उसको निकालो। लेकिन अगर तुम बिना वजह ये लोन चिंदी मैटर के से उनको निकालते हो तो चेतावनी समझो। मैं तुम्हारे ऑफिस कहीं भी रहेगा मैं आऊँगा, भले एक आधा व्यक्ति के लिए मुझे आना पड़े। वो आदमी को तुम जॉब से निकालते हो ना तो आदमी अकेला नहीं मरता है, उसके साथ में पूरा परिवार मर जाता है उसका। ज़रा सोच से काम लो, थोड़ा विचार करो। अनेक लोग देखो और दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो। आप लोग कांटेक्ट में कॉल कर डाल। जा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बना डाल, इग्नोर करो। रिश्तेदारों को भी बोलता हूँ इग्नोर करो। और बहुत से लोगों का कुछ लीगल बैंक होती है, लीगल बैंक जो कोविड के टाइम पे मॉरेटोरियम जो RBI ने दिया था, तभी भी ECS काट रहे और अभी भी धबाधब ECS काट रहे। बैंक में लेटर दो कि मेरा ECS बेवजह काटा जा रहा है, मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है इन लोग की तरफ से। जो भी एप्लीकेशन कोई छोटी बड़ी लीगल एप्लीकेशन होती है जो ECS काटती है, लोगों ने बोला सर इसके बारे में बताओ, धनी है, मोबिक्विक है, अगर बेवजह ECS काट रहे हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको मेल द्वारा उत्तर नहीं दिया जा रहा है, तो बैंक में लेटर लिखो कि मेरा ECS स्टॉप करने का लेटर मुझे फॉर्म दीजिए। जाइए लेटर लिखिए, आपके पास कागज पेन रहेगा तो लेटर लिखिए बैंक रिस्पेक्टेड बैंक, और बैंक का नाम, सर मैनेजर, रिस्पेक्टेड सर मैनेजर, और आपके जो प्रॉब्लम है सर COVID-19 सिचुएशन, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम दिस एंड एग्जाम्पल, उसको सारी डिटेल बताइए। लेटर एक्सेप्ट करवाइए उनसे, मैनेजर से मिलिए बैंक के। ऐसे कैसे इसे स्टॉप नहीं करेगा, बाप का माल है क्या किसी का भी? हमारा खून पसीने की कमाई हो, मेहनत की कमाई है, ECS स्टॉप करवाओ। लीगल नोटिस आएगा तो देख लेंगे तभी, और उससे सवाल पूछो कि मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिला है, COVID-19 सिचुएशन में 6 महीने का मॉरेटोरियम जो दिया था RBI ने, वो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? बिना वजह ECS क्यों काट रहे हो? तब तक उनको पेमेंट मत दो जब तक आपका ECS का जितना पेनल्टी इन्होंने बेवजह लगाया ना वो आपको वापस देवे। आपका तो बैंक में व्यवहार खराब हो ही गया है, लेकिन वो पैसा उनसे लेके ही दो, लेके ही छोड़ो, बाकी पेमेंट मत दो। खुला बोलता हूँ मत दो पेमेंट। अरे लीगल अनलीगल की बात साइड में रोको यार, थोड़ी बात मानो था कि आधार पे तो बात करो यार। और बात तो RBI ने खुद खुला 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया है ना। और दूसरी बात, कोई भी इंसान अगर लोन लिया है, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो, बैंक से हो, तो हरेसमेंट मत करो, प्यार से बात करो, सर क्या इशू है। फ्रॉड कस्टमर रहेगा आप एक्शन लो, डराओ धमकाने वाला काम मत करो। डराओगे धमकाओगे तो हम लोग 50 लोग एक साथ में आपके ऑफिस में जिधर भी घुस जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो कॉरपोरेट कंपनी है सोचो, और रिश्तेदारों आप भी सोचो, आप गारंटर नहीं हो, फेरेंटर नहीं हो, आपके बंदे का सपोर्ट करो। 4 लोग ने सुसाइड कर लिया है, समझ में आता है कि नहीं कुछ? कि सब थोड़ा कॉमन सेंस वापरो यार, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आप लोग समझदार रहेंगे समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय।